राष्ट्र पूजन कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा की ओर से चंद्रपुर में 1 करोड़ राम नाम जाप लेखन कार्यक्रम की शुरुआत पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की पहल से सागौन की लकड़ी भेजी जाएगी। अयोध्या 29 मार्च को इस कार्यक्रम के माहौल को देखते हुए चंद्रपुर में राम भक्तों को राम नाम जप पुस्तिकाएं भिजवाई जाएंगी। आज से ये वितरण किया गया। चंद्रपुर के गांधी चौक पर गुड़ी खड़ा कर और पुस्तिका पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 29 मार्च को चंद्रपुर के क्लब मैदान में बल्लारपुर से आने वाले सागवान काष्ठा का विविधित पूजन किया जाएगा। भाग लेने वालों में स्वयं कार सेवक पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पूरे समारोह का साक्षी बनने की प्रसन्नता व्यक्त की। 29 मार्च को अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली लकड़ी चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर से रवाना होगी। इस काष्ठ पूजन कार्यक्रम के अवसर पर चंद्रपुर में भाजपा की ओर से 1 करोड़ राम नाम जपने का कार्यक्रम शुरू किया गया। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की पहल पर सागौन की लकड़ी अयोध्या भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत आज से चंद्रपुर में राम भक्तों को राम नाम जप पुस्तिकाएं बांटी गई। कार्यक्रम की शुरुआत चंद्रपुर के गांधी चौक पर गुड़ी खड़ा कर व पुस्तिका पूजन कर की गई। 29 मार्च को बल्लारपुर से आने वाली सागौन की लकड़ी का चंद्रपुर से क्लब मैदान में विविधित पूजन किया जाएगा। मशहूर गायक कैलाश खेर के राम नाम सार्वजनिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जो खुद कार सेवक है, उन्होंने पूरे समारोह का साक्षी बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जय श्री राम। सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील सर्व माझ्या प्रिय बंधू भगिनींना गुढीपाडव्याच्या अनंत शुभकामना। अयोध्येच्या राम मंदिरासाठी गर्भगृह व राम मंदिरासाठी लागणारे टिकूड कास्ट हे चंद्रपूरहून आम्ही पाठवणार आहोत। चंद्रपूरकर बल्लारपूरकर जनतेला हे सौभाग्य प्राप्त झाले। गडचिरोली चंद्रपूरच्या जंगलातून अयोध्येच्या राम मंदिरासाठी कास्ट पाठवण्याचा कार्यक्रम 29 तारखेला आयोजित करण्यात आला आहे। 29 मार्च 4 वाजता ही शोभायात्रा सुरू होईल। याची पूजा वाल्मिकी समाज बांधवांच्या वतीने केल्या जाईल आणि त्यानंतर विविध समाजाचे बंधू भगिनी पूजा करत या कास्टाची शोभायात्रा निघेल। चंद्रपूर आणि बल्लारशामध्ये साधारणतः एक मोठा उत्सव साजरा केला जाणार। हा उत्सव प्रभू रामाच्या मंदिरामध्ये गडचिरोली चंद्रपूरच्या जंगलात कास्ट वापरण्याचा आनंदाचा आहे। मंदिर निर्माण करणाऱ्यांनी आमची निवड केली हे आमचं सौभाग्य आहे आणि या दृष्टीने या कार्यक्रमाची आज सुरुवात करतोय। 1 कोटी नामजप लिहून 10,000 महिला व पुरुष आपण पुस्तिकेच्या माध्यमातून 1 कोटीचा श्रीराम नावाचा नामजप हा आपण अयोध्येच्या राम बँकेमध्ये पाठवतोय। याशिवाय शोभायात्रेमध्ये या महाराष्ट्राचे 1000 लोककलावंत इथं उपस्थित राहणार आहेत। दशावतार होईल। कैलास खेर यांचा 2 तासाचा अतिशय सुमधुर प्रभू रामाच्या गीतावर भजनावरचा एक भजन संध्या कार्यक्रमही होणार आहे। रामानंद सागरच्या रामायणामध्ये ज्यांनी रामाची भूमिका केली, माँ सीतेची भूमिका केली, बंधू लक्ष्मणाची भूमिका केली तेही या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। उत्तर प्रदेशचे मंत्री हे स्वतः या कार्यक्रमाला पूजेसाठी येणार आहे। या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने येण्याची इच्छा व्यक्त केली पण कार्यक्रमात सर्वांना रामधून व भजनामध्ये तल्लीन होताना। NBCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।